भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां टीम इस वक्त लिमिटेड ओवर्स की सीरीज खेल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है और 3 मैचों की T20 सीरीज के 2 मुकाबले हो चुके हैं। बात करें अगर दोनों ही मुकाबलों की, तो 7 जुलाई को पहला मुकाबला खेला गया, साउथम्पटन के मैदान में खेले गए। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 50 रनों से बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने एक बार फिर जीता और टीम ने 9 जुलाई को खेले गए मुकाबले में 49 रनों से जीत हासिल करते हुए सीरीज भी अपने नाम कर ली है। साथ ही अब शनिवार को 10 जुलाई को भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ तीसरे मुकाबले में उतरेगी, जहां टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। लेकिन बात करें अगर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले की, तो दूसरे T20 मुकाबले के खत्म होने के बाद ICC ने T20 की ताजा रैंकिंग को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ICC ने अपनी T20 रैंकिंग को जारी किया, जिसमें भारतीय टीम नंबर 1 के स्थान पर बनी हुई है, यानी कि भारतीय टीम इस वक्त वर्ल्ड की T20 में नंबर 1 टीम है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले के बाद इस ताजा T20 रैंकिंग को जारी किया है। बात करें अगर T20 रैंकिंग की, तो भारतीय टीम इस वक्त 1 नंबर पर बनी हुई है। टीम ने 37 मैचों में 9988 पॉइंट के साथ 270 रेटिंग हासिल की है और टीम नंबर 1 के स्थान पर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम ने 29 मैचों में 7651 पॉइंट के साथ 264 रेटिंग हासिल करके 2 नंबर का स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान की टीम नंबर 3 पर बनी हुई है। टीम ने 30 मैचों में 7826 पॉइंट के साथ 261 रेटिंग हासिल की है। बात करें अगर साउथ अफ्रीका की टीम की, तो वह 4th स्थान पर है। साउथ अफ्रीका की टीम के 29 मैचों में 7407 रन और 255 रेटिंग है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया 36 मैच में 9009 पॉइंट्स के साथ 250 रेटिंग हासिल कर 5वें स्थान पर बनी हुई है। न्यूजीलैंड की टीम 28 मैचों में 250 रेटिंग के साथ 6th और साथ ही वेस्ट इंडीज की टीम 38 मैचों में 242 रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर बनी हुई है। बता दें कि टॉप 10 टीमों में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी शामिल है। भारतीय टीम इस वक्त नंबर 1 के स्थान पर है और भारत के लिए यह बड़ा फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि साल के अंत में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, और ऐसे में अगर भारतीय टीम इस रैंकिंग को बरकरार रखती है, तो टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में फायदा हो सकता है। इस साल भारतीय टीम को अपने सभी मैचेस में से लगभग 60% मैच T20 फॉर्मेट में खेलने हैं, और साथ ही टीम इंडिया अगस्त के महीने में एशिया कप भी खेलेगी, तो ऐसे में टीम के लिए T20 रैंकिंग को सुधारने का भी मौका होगा और साथ ही वर्ल्ड कप में भी अपनी मजबूत दावेदारी को पेश करने का भी मौका होगा। क्या कुछ आपकी राय है इसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।